गोविंद जी सर, क्या हालचाल आपके? बस ठीक है सर, आज आपके वार्ड में आप हमें घुमा रहे हो। जो आपने कार्य किया है वार्ड 131 के अंदर ग्रेटर नगर निगम की, जब से आप पार्षद हुए इस वार्ड की दशा आप दिखाने आए हो आप हमारे को जी। और आपके वार्ड अध्यक्ष महोदय जी साथ हैं, उनका परिचय आप एक बार अपना परिचय बताएं ताकि सब लोगों को पता चले आपका। राम कृपाल पारिक, वार्ड 131 वार्ड अध्यक्ष। पार्षद साहब आप अपना परिचय दीजिए और अब हम हमारे जो भी ऑडियंस है। गोविंद छिपा है, मैं वार्ड 131 का नगर निगम का सदस्य कहलाता हूँ, जिसको हम आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में पार्षद कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि पार्षद भगवान विष्णु का प्रिय दूतों को कहा जाता है। हमारी अगर पौराणिक रूप से हम चर्चा करें तो वैसे जो इसका सही शब्द है वो नगर निगम का सदस्य कहलाता है। ये अभी जिस सड़क पर आप चल रहे हैं ये भी हमने बनवाई है। ये जो पार्क वगैरह, जो पार्क में झूले वगैरह सब ये जो लगे हुए हैं आपके टाइम के लगे हुए हैं? नहीं, ये पहले के लगे हुए हैं, इनका मेंटेनेंस हम कर रहे हैं। ये सड़कें हमने बनवाई है, जिस सड़क पे भी हम चल रहे हैं, और उस पार्क की दूसरी साइड जो पैरेलल सड़क है वो भी मेरे ही कार्यकाल में मेरे ही फंड से बनी है। नहीं तो ये पहले तो यहाँ ऐसा लगता नहीं है, रोडों में कुछ लाइटों का फर्क है या फिर क्या फर्क लग रहा है आपको यहाँ? नहीं, सड़कें सर अभी ताज़ा बनी, नई नई बनी, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। लाइटें देखो, कोई भी लाइट मेरे वार्ड में, मेरा दावा है कि मतलब 99% लाइटें आपको ऑन मिलेगी। कोई एकाध अभी आजकल में बरसात की वजह से खराब हो गई हो, फ्यूज हो गई हो, तो मुझे पता नहीं। बाकी मेरा प्रयास रहता है कि मेरे वार्ड की जनता को अंधेरे में नहीं भटकना पड़े। नहीं, हमारा बरसात में लाने का कारण भी यही था कि पता नहीं कोई सीवर लाइन चल रही हो, क्योंकि सीवर की समस्या मालवीय नगर में बहुत ज़्यादा है। सीवर बॉम्ब पे पूरा जयपुर शहर है। देखिए मैं आपको बताऊँ, आप इधर से भी ले सकते हैं। सीसी सड़क मेरे कार्यकाल के पहला काम जो मैंने करवाया वो ये सीसी सड़क बनवाई। इसको 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल हो गए। मतलब ये जुलाई का महीना ख़त्म हो गया है, अगस्त शुरू हो जाएगा, तो ये पिछले फरवरी में हमने बनवाई थी। ये जिस पे अभी अपन चढ़ गए इस पे, ये सीसी सड़क है। ये सीसी सड़क है, बिल्कुल जो सीधी अपने इस रोड को जोड़ रही है शंकर पुलिया वाली रोड, मतलब प्रधान मार्ग पे जाके टच। हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल सड़क खराब थी। ये यहाँ के कॉलोनी वासियों ने कहा कि मतलब कभी नहीं बनी, बिल्कुल ऐसे खड्डे थे, वाकई थे, वाकई जो है जेन्युइन प्रॉब्लम थी। तो हमने कहा कि चलो सीसी सड़क बनवा देते हैं। तो ये तुड़वा के बनाई या फिर ऐसे ही बनाई? तुड़वा के बनवाई है। इसमें कई समस्याएं भी आई, क्योंकि जब रोड तोड़ी तो सीवर टूट गई कई, क्योंकि सीवर वैसे भी कच्ची थी और पानी की लाइनें टूट गई, तो स्थानीय जनता का हमें गुस्सा भी सहन करना पड़ा थोड़े दिन। कई ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप सड़क की, हमने कब कहा था आपको सड़क बनाओ, हमारी तो परेशानी यह ज़्यादा आ गई है। लेकिन फिर जब सारा काम ओके हो गया, बढ़िया हो गया, तो उन्हीं लोगों का आशीर्वाद प्रेम भी हमको मिला। नहीं बिल्कुल, देखो क्या है कि जब तक काम होता नहीं है तब तक तो ऐसा लगता ही, हर आदमी को लगता है जी। अब जैसे अभी अपन आ गए बाहर, आपकी ये मेन प्रधान मार्ग पर आ गए, शंकर पुलिया पे आ गए। मैं ये कह रहा था जैसे कि अभी आप पहले, कुछ टाइम पहले हमने ये भी सुना था कि आप जो अपन नगर निगम पे जो जाते हो आप साइकिल से जाया करते थे, बताएं आप साइकिल से जाते हो अभी भी या फिर? रोज नहीं जाता, महीने में मैं एक दिन साइकिल पे जाता हूँ। वो कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि मंडे को ही जाऊँगा या पहले शुक्रवार को जाऊँगा, या ऐसा फिक्स नहीं है। जब भी मुझे सुविधा अवसर को मैं आपको डिफाइन कर दूं कि, क्योंकि आप जानते हो ना, साइकिल पे फिर बहुत सारे काम नहीं हो पाते। साइकिल से तो आप नगर निगम जा सकते हो और सीधे आ सकते हो, बहुत ज़्यादा मूवमेंट की स्थिति नहीं होती। अगर वहीं से मुझे कहीं जाना पड़ गया तो ऐसा कोई दिन जब होता है जब मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता और मुझे लग रहा है कि भाई जाऊँगा और आ जाऊँगा, बरसात नहीं हो, बहुत तेज इस तरह चेपा पानी हो रहा हो, तो मैं महीने का एक दिन लगता है, मतलब करीब करीब 12 महीनों में 10-12 में चला जाता हूँ, मतलब एक आध महीने गैप भी हो जाता है। नहीं तो आपको अब जैसे आपके वार्ड 131 में ज़्यादातर आपको किस परेशानी का सामना करना पड़ता है, आपको जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको किस? सीवर एक ही समस्या है मेरी, ऊर्जा का और मेरे समय का 80% जो है समय और ऊर्जा मेरी सीवर में खर्च हो रही है। अगर सीवर नहीं है, सीवर के अलावा मेरे वार्ड में मुझे नहीं लगता कोई समस्या मैंने छोड़ी है। सीवर एक बड़ी समस्या है। जैसे अभी मेन रोड पे आपको देखो लाइटें भी कमी दिख रही है इस रोड पे। नहीं, लाइटें सब है, लाइटें सब है। बोलो कौन से पोल पे लाइट? डिस्टेंस जैसे एक पीछे रह गए ना, जैसे डिस्टेंस कोई लाइट कम है। नहीं, किसी पोल पे लाइट नहीं है। पोल पे 20 लाइट और हमने इशू कराई है। वो क्या होता है ना कि कोई लाइट खराब हो जाती है फिर उतार के ले जाते हैं। अब तो कभी 20 लाइट, अभी 20 लाइट हमने 3-4 महीने पहले लगवाई थी जो हमको इशू हुई थी। अब निगम के संसाधन भी सीमित है, जितनी लाइटें आती हैं उतनी लगवा देते हैं। फिलहाल 20 लाइटें हमको इशू होने वाली हैं, बरसात की वजह से थोड़ी सी
रुक गई हैं, वो आ जाएंगी, तो ये खाली पोल पे हम लगवा देंगे। अब ये जैसे आपके स्थानीय लोग, जैसे ये जो अपने मेन प्रधान मार्ग पे हैं, इस पे ज़्यादातर ये रूट ज़्यादा भारी रूट हो गए, जैसे एक तो कैलगी रोड है, इसके बाद ये दूसरा रूट ही है। ये तो JDA का, देखो ये नहीं, ये तो मेरे वार्ड में, हाँ। लेकिन ये इसका जो कुछ भी मेंटेनेंस है या अगर बनाने वनने का काम है तो JDA करता है। लेकिन फिर भी जो शंकर पुलिया के अभी वो अपन उधर से आ गए, मुझे बताना ध्यान नहीं रहा, वहाँ पे खड्डे हमने नगर निगम से ही भरवाए हैं, बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए थे, तो JDA में भी मेरी बात मानते हैं, JDA के द्वारा भी। इधर आप ले सकते हो थोड़ा सा, अगर देखना हो तो ये, हाँ ये हरी मार्ग है, ये हरी मार्ग आ गया पूरा। ये पानी कैसे भरा हुआ हरी मार्ग कहाँ पे, ये जो बीच में है ये तो स्लोप की समस्या है। देखिए ड्रेनेज सिस्टम, अभी मैं फर्स्ट इंडिया चैनल पे भी था तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। बाकी अब ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये लाइन भी हमने डलवाई है, ये यहाँ पूरा यहाँ पे भरा रहता था। डॉक्टर साहब का मकान है यहाँ पे, डॉक्टर साहब बहुत परेशान थे, पिने तोमर साहब, तो यहाँ पे पानी सीवरेज की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो सीवर में जहाँ जहाँ हमको समय मिला, मौका मिला, हमने करवाने की कोशिश की। देखिए अभी भी थोड़ा सा ये चैम्बर हमने रिपेयर करवाया, चैम्बर होगा, हाँ। लेकिन क्या है कि मैं आपको बताऊँ, जब तक सारी एक साथ ठीक नहीं होगी तब तक समस्या का समाधान होना मुश्किल है, क्योंकि ये लाइनें सारी जर्जर हैं। 1980 के दशक में मालवीय नगर शायद बन गया था, क्योंकि 84 में तो हम ही आए थे, उससे पहले मकान मकान बने होंगे, तभी अलॉट किया सरकार ने। नहीं बिल्कुल, वो अलॉटमेंट तो शायद 72 के आसपास का है इस मालवीय नगर का, या कब का है, लंबा पुराना है पहले मालवीय नगर का। अब ये तो देखो, हाँ 75 के आसपास लोगों ने मकान, जैसे मेरे पिताजी ने मकान में लॉटरी डाली थी, बताते रहते हैं एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट साल तो मुझे ध्यान नहीं है। ये आपका एरिया कौन सा है जो ये बहुत लग रहा है शांति और इसमें बहुत अच्छा एरिया लग रहा है? ये सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक में साफ सफाई भी अच्छी लग रही है। साफ सफाई तो देखिए हमारे वार्ड में आपको सामान्यतः सब जगह साफ सफाई ही दिखेगी, क्योंकि सफाई और सीवर पे मेरा ध्यान है। लेकिन मैंने बताया ना आपको कि सीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा है, सफाई वाली तो मुझे नहीं लगता आपको वार्ड में कोई एक आध दो जगह कोई परेशानी आएगी, कहीं आ भी सकती है, क्योंकि कचरा लोग डाल जाते हैं, करते हैं, तो थोड़ा सा जनता का भी सहयोग मिल जाता है। देखिए ऊपर में लोग कचरा डालें, ऊपर समय पे पहुंचता है, अगर नहीं पहुंचता है तो मुझे बताते हैं, तो वो समस्या हम दुरुस्त करते हैं, समय पे ऊपर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो जनता का सहयोग भी मिल जाता है, कुछ हमारे प्रयास भी हैं, तो सबके सामूहिक प्रयासों से ये काम हो रहा है। तो अभी जैसे आपको कितने साल हो गए पार्षद बने हुए? आपको ये करीब करीब 2.5 साल से 1 महीना ऊपर हो गया। 2.5 साल, तो मैं ये कहता 2.5 साल होने में, 2.5 साल में जैसे आपने क्या क्या काम करवाए, जैसे आप कुछ बता सकते हैं चलते हुए? देखिए मैं अपनी बड़ाई वाली बात नहीं है, हमारे वार्ड अध्यक्ष नहीं सर, देखो बड़ाई, देखो एक्चुअली क्या है, आप जनप्रतिनिधि हो, हाँ। हम आपकी बात आपके वार्ड वालों के, इसके अलावा आप सरकार तक भी आपकी बात पहुंचेगी, तो इस पार्षद ने क्या कार्य किया लोगों को पता चलना चाहिए, आपको देख के दूसरे पार्षद भी सीखेगी यार इन पार्षद ने ये काम किए तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। शायद पूरे जयपुर नगर निगम के दोनों हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर मिला के 250 जो वार्ड हैं उसमें मैं शायद एक ही इकलौता पार्षद होऊंगा जो अपने किए गए कामों का प्रतिवर्ष ब्यौरा प्रस्तुत करता है। पहले साल का भी मैंने किया था, दूसरे साल का भी किया था, और तीसरे साल का भी अभी मैं जो नवंबर में हमारा कार्यकाल पूरा होता है तो मैं करूँगा, और उसमें प्रतिवर्ष आम जनता को भी मैं इनवाइट करता हूँ, हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी और हमारे वरिष्ठ नेतागण तो उसमें रहते ही रहते हैं, करीब 101 लोगों को हम बुलाते हैं, उनके सामने अपना मैं प्रस्तुत करता हूँ अपना काम, जो भी मैंने किया है, कम किया है, ज़्यादा किया है, अच्छा किया है, उतना अच्छा नहीं हुआ है, वो फैसला जनता करती है। लेकिन इधर से ले लो, क्योंकि इधर तो मेन रोड ही होगा, आपको वार्ड की गलियाँ भी देखनी चाहिए। नहीं बिल्कुल सही बात है आपकी, तो जैसे अभी आप प्रतिवर्ष जो आप अपना जो काम किया आप बताते हो, जो भी लोग वहाँ आते हैं तो उसमें से कितने लोग राजी खुश होते हैं और कितने ऐसे कहते हैं हमारा ये काम नहीं हुआ, कुछ लोग आते भी होंगे अभी बस कि हमारा काम नहीं हुआ? देखिए मैं ये कहूँ कि मेरे से कोई नाराज ही नहीं है, तो ये गलत होगा, काम जनता के जब हम करने जाते हैं निश्चित रूप से सबके काम नहीं हो पाते, और जब काम नहीं होते हैं तो जनता सुना भी जाती है, और हम इसलिए सुनते हैं कि उन्होंने हमको वोट किया है, जब जनता प्यार दे सकती है तो डंडा भी मार सकती है, यही जनता हमको फूल मालाएं पहनाती है, यही जनता हमको घर पे बैठा के चाय पिलाती है, यही जनता जब हम किसी शादी में मिल जाते हैं दिख जाते हैं तो हमारे लिए स्थान रिक्त करती है कि पार्षद साहब आ गए,
तो अच्छा अच्छा तो हम खाते जाएं और बुरा बुरा हम स्वीकार नहीं करें तो ये अच्छी बात नहीं है, और मेरे स्वभाव में तो ये है भी नहीं। निश्चित रूप से कोई काम करता है तो उसकी कमियां भी होती हैं, मेरी कमियां भी हैं, मैं उनको स्वीकार करता हूँ और उन्हें दूर करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको राजनीतिक पृष्ठभूमि से एक प्रश्न पूछूंगा कि भाई आप अपना आदर्श किसे मानते हैं राजनीति में, अपनी राजनीति में जो आपने राजनीति शुरुआत पहली शुरुआत शायद पहली सीढ़ी है आपकी राजनीति की, इसमें आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? देखिए मेरी जो पृष्ठभूमि है वो तो समाज सेवा और सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, और राजनीतिक दृष्टि से तो आदर्श हम सब के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जो उनका काम करने का जो उनकी ऊर्जा है, सबसे पहले तो आज मेरी उम्र 52-53 साल है और मोदी जी की उम्र 72 साल के आसपास की है, लेकिन मेरे से भी अधिक जब मैं उनको देखता हूँ काम करते हुए, और जब मैं कभी सोचता हूँ कि थक गया हूँ थोड़ा आराम कर लूँ, और जब उनको मैं देखता हूँ तो मुझे खुद पे ही थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि यार ये हमारे मोदी जी इतना पूरी दुनिया का तनाव लेते हुए पूरी दुनिया में भ्रमण करते हुए इतना काम कर रहे हैं, इनके चेहरे पर जब थकान नहीं है तो मैं तो क्या हूँ, एक मामूली वार्ड का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। तो उनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है और उनसे हमें ऊर्जा भी मिलती है। रही बात सामाजिक पृष्ठभूमि की, तो देखिए हम जिस मूल संगठन से आते हैं, डॉक्टर हेडगेवार जी का नाम आपने सुना होगा, प्रातः स्मरणीय डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी, मैं कहता हूँ कि कोई किसी भी विचारधारा का हो सबको पढ़नी चाहिए। समाज के लिए जीना और समाज के लिए ही अपना एक एक बूंद खून की सुखा देना, ये कोई अगर किसी से सीख सकता है तो डॉक्टर हेडगेवार जी से सीख सकता है। सबको पढ़ना चाहिए, सबको देखना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार जी बहुत किसी ज़माने में बहुत गुस्सा करते थे अपने युवावस्था में, एक बार थोड़ा यहाँ रोक लिया मैं क्यों दिखाना चाहूँगा, लेकिन जब समाज का संगठन करने की, समाज का काम करने की सोची तो ये देखिए इधर भी आप ले सकते हैं, ये सड़क जो है मैंने ही बनवाई थी, ये रेगर बस्ती की सड़क है, ये हरी मार कच्ची बस्ती। ये जो है सड़क है, कहते हैं कि जब हमारे पहले पार्षद पहला बोर्ड बना था तब इसके पार्षद थे तेजवान जी शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने बनाई थी, उसके बाद मैंने ही बनाई है। मतलब ये रोड आपने ही बनाया, उसके बाद उससे पहले रोड बननी, उसके बीच में पूरी यहाँ से निकलना भी मुश्किल था, बड़े बड़े खड्डे थे, पानी वानी भरा रहता था। आप अगर चलेंगे, सरपंच साहब बैठे होंगे यहाँ के बाबूलाल जी, तो उनसे भी आप, क्यों शाम के समय बैठ जाते हैं यहाँ के लोग खुले में। अब वो जो मैं कह रहा था कि सीवर की समस्या, तो देखो वो तो सबको कोई मना करता है तो गलत करता है, सीवर की समस्या है वो पूरे जयपुर में है, पूरे जयपुर में है, तो सीवर की समस्या बहुत ज्यादा समस्या है। मैं ये कह रहा था ये सड़क देखो, ये सड़क अपने बनवाई है, अंदर वाली बनवाई है, ये शायद इसे जेडी ने बनाई है अलग से, इसके अंदर वाली हमने बनवाई है, जो डॉक्टर एस आर शुक्ला वाली जो सड़क है ना अंदर वाली, वो हमने बनवाई है, ये जेडी ने बनाई है। हम देखिए सच्चाई पे चलने वाले, सच्चाई सच कहने वाले, सच सुनने वाले और सच की इच्छा वाले। नहीं देखो सच ही आज की तारीख में जो सच होता है वही, जो हमने काम नहीं कराया है उसका हम क्रेडिट नहीं लेंगे, अगर काम गलत हमसे हमने किया है और गलत हुआ है तो उसका भी हम मानते हैं गलती हुई है, क्यों मैंने कहा ना गलती तो मैं ये कह रहा था, जैसे आपके वार्ड 131 के अंदर विधायक कोटे से भी कुछ काम हुआ है क्या? विधायक कोटे से सड़कें बनी हैं, विधायक कोटे से वो जो बैडमिंटन कोर्ट है, जैसे सब हम अपने घर से शुरू होते ही जो अपन ने बात शुरू करी थी, जो मैंने कहा था पता नहीं इसमें रिकॉर्ड आया कि नहीं, जो बैडमिंटन कोर्ट है, हाँ, बैडमिंटन कोर्ट हेडक्वार पार्क के जस्ट पीछे वाला, वो विधायक जी ने अपने उससे बनवाया। जब पार्षद बनने के बाद पहली डिमांड मेरे पास आई थी स्थानीय निवासियों की, साहब यहाँ बैडमिंटन खेलने के लिए थोड़ी व्यवस्था हो जाए, तो हमने बात की विधायक जी से, विधायक जी ने बिल्कुल तत्काल ही उसको स्वीकृत कर दिया, और बाद में थोड़ा सा ये जेडीए के अधिकारियों से बात करने पे ये पता लगा कि सर इसमें कवर्ड बैडमिंटन कोर्ट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि पार्कों में एक पूरा कवर्ड करके नहीं बन सकता, तो सेमी कवर्ड हमने इसलिए, उसकी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, सिक्योरिटी कौन करेगा फिर बात? सिक्योरिटी तो हम कर लेते, लेकिन अब उनकी गाइड, देखिए सुप्रीम कोर्ट है तो बड़ा सोच समझ के निर्णय करता है,
नहीं सर, राजस्थान में वैसे ही आप तो आपका एक चल रहा है नहीं सहेगा राजस्थान, महिलाओं पर अत्याचार, तो अभी शाम की रात को कौन सुरक्षा देगा वहाँ अगर कोई घूमने जाए? इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी सही कहता है कुछ जगह कहीं है, वो अपने हिसाब से सारी चीजें कहते हैं। एक सावन का महीना चल रहा है, हमने वृक्षारोपण के मामले में आप देख सकते हो अभी तो थोड़ा रात्रि का समय है, खूब सारे हमने पेड़ लगाए हैं और जहाँ जहाँ हरियाली नहीं थी पूरा हमने कवर करने की कोशिश की है। इस साल के पेड़ अभी हमें प्राप्त नहीं हुए, जैसे ही प्राप्त हो जाएंगे। एक ये वाला एरिया लाइट भी है नहीं, इसका कल इसको करो, इसको भी दुरुस्त करवा देंगे, अभी 8 बजने वाले हैं। ये एडमंड्स स्कूल के जस्ट पास का एरिया है, ये क्या होता है जहां स्कूल के जस्ट स्कूल के सामने लाइटें नहीं है। नहीं, ये क्या होता है, देखो बरसात का मौसम है, फॉल्ट आ जाता है। मैं ये थोड़ी दावा कर रहा हूँ कि मेरे वार्ड में राम राज्य स्थापित हो गया है। नहीं, बिल्कुल देखो नहीं, राम राज्य की स्थापना तो करना चाहते हो आप बीजेपी वाले, अब राम राज्य की स्थापना कैसे होगी, कब होगी, काम करने से ही होगी ना, वो काम हम कर रहे हैं। अब ये जैसे ध्यान आ गया तो हम इसको, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, फॉल्ट आ जाता है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो इसको कल दुरुस्त करवाना सही है। देखो हमने आपके क्षेत्र का लगभग आधे से ज्यादा तो अपन भ्रमण कर लिया, क्योंकि आजकल वार्ड बहुत छोटे हुए हैं। तो अब मैं जैसे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अब आपका इस वार्ड को लेके आगे क्या है करने का, जो भी नेक्स्ट सत्र शुरू होगा उसमें आप क्या करेंगे इस अपने वार्ड के लिए, क्या सोच रखा है? देखिए मैं तो क्या है कि मेरे वार्ड में देखिए सफाई एक दिन नहीं हो चल जाएगा, पानी सुबह का शाम आ जाए दो दिन, अभी बीच में जैसा आपने देखा होगा रिपेयर वर्क होता है तो दो दो तीन तीन दिन तक पानी नहीं आता, तो जनता मैनेज कर लेती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सीवर की समस्या से जनता को निजात मिले, ये मैं बहुत इसके प्रयासों में लगा हुआ हूँ। अधिकारियों से भी बात करते रहते हैं, माननीय महापौर जी भी चिंतित हैं, माननीय विधायक जी से भी बात होती रहती है। अभी मुझे ये कहा है कि 98 करोड़ रुपए नगर निगम जयपुर ग्रेटर को केवल सीवर के लिए स्वीकृत किए हैं केंद्र सरकार ने, वो राशि जैसे ही हमको मिल जाएगी फिर बाद में उसमें वो सब जब सारी लाइनें नई डल जाएंगी और फिर जो एक समस्या समाप्त हो जाएगी, वो इस बरसात के तुरंत बाद काम शुरू हो जाएगा। तो जैसे अभी बरसात के तुरंत बाद काम शुरू करोगे, अब दिसंबर में चुनाव है विधायक के, तो कहीं ऐसा नहीं है कि भाई लोग आपके फिर विधायक के टिकट लेके आएंगे आपके जो भी प्रत्याशी होंगे, उसके बाद अगर आप जैसे कोई मांग करेगा, जैसे आप वोट मांगने जाओगे तो लोग तो नाराज होंगे आपको, इसी समस्या को लेके मना करेंगे आपको, हम वोट नहीं देंगे, तो क्या उनके लिए क्या होता हुआ दिखेगा, काम होता हुआ दिखेगा तो क्यों नाराज होंगे? जैसे यहाँ तो मैं नगर निगम में तो मैंने कई बार ये सुना है कि आपको पता हो तो कालीचंद जी ने मेन रोड पे धरना भी दिया, जबकि इनका विधायक बीजेपी, महापौर बीजेपी और पार्षद आप बीजेपी, फिर भी उन्होंने धरना दिया नगर निगम के खिलाफ। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसा अभी हमने वो बताया था कि मेरे पार्षद कार्यकाल के शुरू होते ही एक सीसी सड़क हमने बनवाई थी, तो जब तक वो सड़क नहीं बनी तब तक तो लोग नाराज होते रहे, है ना। जब सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो भी लोग नाराज हुए, क्योंकि वो किसी लाइन टूट गई, किसी की सीवरेज फूट गई, किसी का क्या हो गया। लेकिन आज आप अगर किसी भी मकान वाले से किसी भी जाके पूछेंगे तो आज वो संतुष्ट है, खुश है। तो जब तक काम होता है, देखिए हम प्रैक्टिकल सोचना चाहिए, हम क्या है अति में बात करते हैं, मतलब समस्याएं तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भी थी। नहीं सर वो थी, लेकिन नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं एक मालवीय नगर के विधायक ऐसी घोषणा कर जाते हैं कि अगर 5 सोमवार तक इसका इलाज नहीं हुआ तो मैं जेल एन मार को जाम करूंगा, उसके बाद में भी आज साल दो साल बाद में भी विधायक जी की टिप्पणी पे, विधायक जी के उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप कौन से संदर्भ में क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, तो आप बेहतर है कि देखिए उनसे बात करें, हमारे माननीय विधायक है, हमारे माननीय नेता है और जनप्रिय नेता है। कालीचरण जी का तोड़ अभी भी मालवीय नगर में कोई नहीं है, कालीचरण जी जनप्रिय नेता है और लोग उनको बहुत मानते हैं। जैसा मैंने कहा ना, नाराजगी तो रहती है, कोई काम मेरे से भी नाराजगी है, उनसे भी होगी, ये होता है, ये तो प्रक्रिया है। लोग भगवान राम से भी नाराज थे, उनसे भी, उनको भी पता नहीं क्या क्या कह दिया, मोदी जी को लोग जाने क्या क्या कह देते हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बना दूंगा मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, वंदे भारत जैसी ट्रेन आज आप देख रहे हो, सड़कों का जाल बिछा दिया,
कोरोना जैसी महामारी से देश को एकदम ऐसे निकाल के लिया है जैसे कोई फूल उठाते हैं। आज बड़ी बड़ी इकोनॉमियां हिल गई हैं, नहीं अमेरिका ब्रिटेन हिल गया है। कोई तो ये कह रहा है कि उन्होंने थालियां बजवा दी, कोई कह रहा है तालियां बजवा दी, कोई कह रहा है कुछ कर लिया। अब कई लोग ऐसे पीएम केयर फंड की बात करते हैं, लेकिन वो क्या बहुत राजनीति बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ जवाब जरूर दे दूँ। देखो दो मिनट मुझे आप दें, मीडिया का समय कीमती होता है, मैं खुद मीडिया का आदमी हूँ। क्या होता है, एक जैसे ही कोरोना का प्रसार शुरू हुआ देश में एक दहशत सी फैल गई, क्या होगा, कैसे होगा, मरे। और आप देखिए कि किस किस तरह के सोशल मीडिया का जमाना था, तो लोग घरों में बैठे हैं, घर के अंदर बेडरूम में बैठे हैं, बेडरूम में भी सैनिटाइजर की बोतल यहाँ रख रखी है और हर दो तीन चार मिनट में आदमी उसको कर रहा है या लगा रहा है, इतना डर। तो आदमी कोरोना से मरता नहीं मरता, डर से जरूर मर जाता। तो मोदी जी ने एक इसको जैसे कहना चाहिए कि एक समय निर्धारित किया, समय शाम को 5 बजे का, कि सब लोग अपने घर के बाहर आएंगे और एक थाली बजा के, ताली बजा के, जो भी था उनका एक मोटिवेशन। देखिए इंसान की जब हिम्मत काम, हिम्मत है मर्दा मदद खुदा, बड़े से बड़ा काम एक हिम्मत जब आदमी की होती तो कर जाता है। तो एक हिम्मत दिलाने का, हौसला दिलाने का काम है, हम सब देशवासी एक हैं। देखिए कोरोना को हमने हराया कि नहीं हराया, मतलब उन्होंने हौसला बढ़ाने के बढ़ाने का काम था। अब लोगों ने इसको लोगों ने इसको कहा कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा क्या, राजनीति में सब कुछ चीजें चलती है। अब मैं आपके वार्ड के संबंधित कहूंगा, जैसे सफाई कर्मचारी आपके यहाँ प्रॉपर सफाई करते रहते हैं आपके, तो टाइम पे सफाई हो जाती है? देखिये क्या है कि नगर निगम ग्रेटर को जितनी मात्रा में संसाधन सरकार को मुहैया कराने चाहिए थे नहीं कराए। टोटल है जयपुर शहर में हेरिटेज नगर निगम और ग्रेटर मिला के करीब 7,000 कर्मचारी, 7,500 ऐसा कुछ, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। तो उसमें 40% मतलब 3,500 कर्मचारी तो दिए हैं ग्रेटर को और 4,500 कर्मचारी दिए हैं हेरिटेज को, जबकि हेरिटेज में 100 वार्ड है, एरिया भी छोटा है, घनत्व तो जरूर ज्यादा है लेकिन एरिया देखिए, सफाई तो मान लो यहाँ से वहां तक सड़क है तो सफाई तो पूरी सड़क की होनी चाहिए। तो ये जो भेदभावपूर्ण राजनीति राज्य सरकार की रही, इस वजह से हमको सफर करना पड़ा। मेरा वार्ड है, पहले वार्ड 53 हुआ करता था, तो इसमें 110 कर्मचारी थे, अब इस वार्ड के दो हिस्से हो गए, 127 और 131, तो मेरे इससे 54-55 कर्मचारी आने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास अभी 27 कर्मचारी है। 27 कर्मचारी में भी महिलाएं हैं 22 और 5 है पुरुष। ये पुरुष महिला का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पुरुष कर्मचारी ही ढेरी उठाता है, महिला कर्मचारी केवल झाड़ू लगाने का काम करती है, ये इनके नियम है। अब झाड़ू तो लग जाती है, ढेरी नहीं उठती है, तो ढेरी लोग कहते हैं साहब आप झाड़ू भी मत लगवाओ फिर, क्योंकि वो बड़ी बड़ी ढेरी खराब लगती है। अब 5 कर्मचारियों में से एक दिव्यांग है, ये भी मैं बताऊंगा। अब 4 कर्मचारियों से उनके भी जीव है, वो उनको भी मैं कितना लताड़ूंगा, कितना क्या करूंगा, तो बेचारे करते हैं काम, और कहीं कमियां भी रहती हैं, कहीं कुछ अभियान आते हैं, अभी स्वच्छ भारत अभियान का बीच में चल रहा था कि अब कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, 10-10 कर्मचारी बीट कर्मचारी आएंगे, जो पार्षद अपनी इच्छा से कहीं भी उनसे काम करवा लेगा, 2-2 कर्मचारी व्यक्ति से दिए जाएंगे, लेकिन अब सरकार को प्रस्ताव भेज रखे हैं, सरकार सुनवाई नहीं करती है, लेके बैठ के डंप कर रही है सारा ध्यान, पता नहीं कहाँ है। घोषणा जी भी सरकार कहता हूँ मैं तो इसको, घोषणा करना बस। तो और दूसरी आपकी यहाँ क्षेत्र में ये अतिक्रमण की क्या ज़्यादा है शिकायत आ रही है, बताए अतिक्रमण काफ़ी शिकायत। मेरे वार्ड में अतिक्रमण आपको ना के बराबर मिलेगा। आप देखिए अभी जहाँ खड़े हैं वो दूसरा वार्ड है, वो सामने वाला अपना वार्ड है। आप कहीं भी देख लीजिए, अभी करदनी शॉपिंग सेंटर पे देख लीजिए, है ये जो थड़ी ठेले वालों का अतिक्रमण भी होता है इनका, लोगों का भी, ये परमानेंट की बात कर रहा हूँ, और किसकी बात कर रहे हो? थड़ी ठेलों का भी अतिक्रमण होता है, जैसे बाहर पीपे वगैरह लगा लेते हैं, रोड जाम हो जाती है, गाड़ियां निकल नहीं पाती है। जैसे अभी सत्कार के पीछे वाले जो सत्कार का जो अतिक्रमण है वो 2000 से है। मैंने एक बार हटाने की कोशिश की थी तो उन्होंने अपनी रसीदें दिखा दी, किताब तो नहीं, वो जगह सही है, लेकिन उन्होंने धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उन लोगों का भी नहीं, उसमें तो कार्रवाई कराते हैं, फिर वो कई बार उनकी जब्ती भी होती है, लेकिन ये थड़ी हटनी चाहिए, मेरा मानना है कि थड़ी हटनी चाहिए।
और हमारी सरकार आएगी तो मैं इसके लिए, तो देखिए क्या होता है, आम जनता क्यों सफर करे। सही है, आप कमा रहे हो आप ठीक है, अगर बेरोजगारी है या रोजगार है तो रोजगार ऐसा होना चाहिए कि हमारी किसी बात से जनता परेशान नहीं हो। शाम को जाम लग जाता है यहाँ, लेकिन ये है कि जब हमने कोशिश की इनको समझाइश की इनके हटाने की, तो इन्होंने रसीदें दिखा दी, किसी की 2000 की रसीद कटी हुई है, किसी की 2003 की रसीद कटी हुई है। अब भैया इतना पुराना मामला, तो देखो मैं कैसे हटाऊंगा फिर उनको, उनको तो निगम और सरकार ही हटाएगी। जैसे और कई मकान भी बन रहे हैं, उनका कई सामान बाहर रोडों पे पड़ रहे थे, उनका भी नगर निगम चालान कर देगा। भाई मुझे एक बात बताओ, आदमी मकान बनाएगा तो सड़क पे ही रखेगा और कहाँ रखेगा, और कौन सी जगह हमने निर्धारित करी है? नहीं निर्धारित तो नहीं करी, जैसे सरिया वगैरह कुछ ऐसा सेफ्टी बिंदु तो रहे, जैसे सेफ्टी बिंदु का हमने ये कह रखा है कि भाई आप 25% सड़क, ये कोई नियम नहीं है, ये मैंने एक भाई आप जन सेवक होने के नाते ये क्योंकि अब मैं उसको कहूँ कि अपने प्रेमिनिसेस में रखो, वो पॉसिबल नहीं है, अंदर तो मकान बन रहा है, रखेगा तो सड़क पे ही। तो ये कि जैसे मान लो बजरी का ट्रक आया है तो सेम डे कंज्यूम हो जाए, थोड़ा थोड़ा ही माल मंगाओ, सरिया है तो आगे पीछे रख लो, 25% 30% से ज़्यादा सड़क कवर ना हो ताकि आवाजाही बनी रहे, ये मेरा प्रयास रहता है। फिर भी कोई उल्लंघन करता है, बार बार कोई नहीं मानता है, तो फिर चालान कटवाते हैं उसका। हमें अच्छा नहीं लगता किसी का चालान कटवाना। देखो क्या होता है कि मकान जिंदगी में एक ही बार बनाता है करीब, और किसी को मकान बनाने में परेशानी आए तो उसका भागीदार हम क्यों बने, ये मेरी रहती है। चलो मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ, जैसे कि अब आपको पार्षद बनने के बाद क्या मतलब जनता की सेवा करने के बाद खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है या फिर नॉर्मल खुशी मिल रही है? जैसे रैंकिंग देखा जाए तो बहुत अच्छी है, वैसे कैसे आपको फील कर रहे हैं? रैंकिंग तो आप लोग बताओगे। नहीं आपको फीलिंग कैसी आ रही है भैया? तो बहुत अच्छी फील होती है, फील होती है। तब इस बार आप राजनीति फिर आगे, इसके आगे भी आप कंटिन्यू राजनीति में आगे बढ़ना चाहेंगे? क्यों नहीं बढ़ना चाहेंगे भाई, क्षेत्र में जैसे और राजनीति में आए हैं तो आगे बढ़ना ही चाहेंगे, और पार्टी अगर मेरा काम पसंद करेगी, पार्टी मेरा मेरे काम के साथ अगर मेरी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और मेरा मेरा पुराना जो भी मैंने संगठन के लिए काम किया है, जो मेरी पृष्ठभूमि रही है, अगर उसमें उसको पसंद करेगी पार्टी, तो हमारी पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी शीर्ष स्थान पर पहुँच सकता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके उदाहरण है। 2002 में जब गुजरात का मुख्यमंत्री बना के भेजा था, उसके पहले मोदी जी का कोई जानता भी नहीं था। नहीं मोदी जी का काम करने का तरीका चाहे नहीं, वो तो आप अभी नजर आ रहा है, हमारी पार्टी में लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो ऐसा ही काम करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ परिवारवाद इसका है उसका ये है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, हमारे यहाँ ऐसे फैसले नहीं, इसमें तो आज पार्टी में भी आजकल दो चीजें चलने लग गई, संघवाद अलग चल रहा है, बीजेपी वाद अलग चल रहा है, तो ये ऐसे भी है कि अपने पार्टी में, या फिर ऐसे कहते हैं लोग? देखिए संघ और बीजेपी अलग अलग है ही नहीं, हमारी आरएसएस की अनेक विंग होती हैं। जैसे छात्र अगर शाखा मानी जाएगी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, सेवा शाखा सेवा भारती है, वनवासी कल्याण परिषद है वनवासी बंधुओं के लिए काम करने के लिए, इसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है, सर किसान तो... संघ किसानों के लिए काम करने के लिए, तो ऐसा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस से कार्यकर्ता भी मांगते हैं, उनसे विचार विमर्श भी करते हैं, उनका सलाह मशवरा मार्गदर्शन लेते हैं, वो संघ करता है। मतलब संघ और बीजेपी दोनों एक ही है? एक नहीं है, आप समझो अभी आपने कहा ना कि भाई दोनों एक ही है, मूल विचारधारा से इस राय मैंने कहा ना, जैसे अभी कितने संगठनों के मैंने नाम गिनाए, ऐसे कम से कम 50 संगठन और हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, वनवासी कल्याण परिषद है, भारतीय किसान संघ है, भारतीय मजदूर संघ है, सेवा भारती है, लघु उद्योग भारती है, अनेक संगठन हैं, मैं तो सबके नाम ही नहीं ले पाऊंगा यहाँ पे। इनका मूल जो है ये राजनीति, संघ से ये कार्यकर्ता वहाँ जाते हैं काम करते हैं, संघ का काम सामाजिक चेतना का है, संघ का काम समाज को एक रखने का है, संघ का काम कार्यकर्ता निर्माण का काम है, वो कार्यकर्ता निर्माण करती है, जिस भी क्षेत्र में जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ भेजती है, इससे ज़्यादा कोई किसी के कोई वो नहीं होता है कि कोई मीन में या कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, आप मानिए इस बात को। हाँ लेकिन मान लो आप मेरे परिवार के सदस्य हो, मुझे कोई दिक्कत आ रही है, आपने मुझे काम करने के लिए कहीं भेजा है, मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैं आपसे सलाह मशवरा करूंगा। बिल्कुल मानता है सलाह तो देते हैं, कार्यकर्ता कम पड़ता है जी हमारे पास, दो लोग दीजिए तो देते हैं। सर अब मेरा आखिरी सवाल है कि आपको इस पार्षद बनने के बाद ये 2.5 साल का जो समय निकला है, इसमें आपको किस परेशानी का किस सामना करना पड़ा वो बता दीजिए।
देखिए वो मैं बताऊंगा आपको, अपनी बात को पुख्ता करने के लिए मैं आपको गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का उदाहरण देता हूँ। छात्र राजनीति से निकले, फिर अपना सामाजिक क्षेत्र में लग गए, कोई बीजेपी से कोई लिंक नहीं रहा 10 साल तक। फिर अचानक उनको कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी में काम करना है, जो सांसद तो हमारे यहाँ चलता है नहीं, वो पार्टी का नहीं। मैं आपका ही अपने जो वार्ड का आखिरी सवाल पूछूंगा जो आपके इसमें है कि भाई ऐसा है कि आपने जो अभी 2-2.5 साल रहे हैं, आपको 2.5 साल के कार्यकाल में आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की आई, उसके लिए पूछना चाह रहा हूँ। 2.5 साल में आपको सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज की आई, लोगों को समझाने में, नगर निगम के जो कार्य काम समझने में कैसी आई आपको परेशानी? जैसे आपको नगर निगम के काम समझने में देरी हुई, या फिर नगर निगम के काम करवाने में दिक्कत हुई, या कैसे जो आपको दिक्कत आई उसके बारे में, ताकि लोगों को भी पता चले कि आपने किस संघर्ष के साथ में ऐसा काम किया। देखिए दिक्कत तो ये होती है कि नगर निगम के अधिकारी हैं वो राज्य सरकार के इतने दबाव और प्रभाव में हैं कि हमारी सुनवाई जल्दी से हो नहीं पाती है। देखो सही बात बताऊं, और आप देखिए कि माननीय महापौर सौम्या जी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो उनको सस्पेंड कर दिया, जबकि ऐसा नियमों का दुरुपयोग करना कोई कांग्रेस से सीखे। ये जो कहते हैं आज मोदी जी के लिए कि ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सर मोदी जी ने कौन सी सरकार गिराई है? 9 साल 9.5 साल हो गए आज, एक भी सरकार 356 धारा के तहत गिराई हो तो बताइए आप। नहीं सरकार गिराने की बात पे तो ज्यादा बताइए, महाराष्ट्र की सरकार के लिए बोल देते हैं नहीं, वो अगर जनप्रतिनिधि टूट के आते हैं, जनप्रतिनिधि अगर आते हैं तो उसमें कोई मना करेगा कि आप मेरे साथ आओगे तो मैं मना करूंगा? ये तो राजनीति में होता है, आपकी विचारधारा वहाँ मेल मेल नहीं करी, आपको वहाँ सम्मान नहीं है। नहीं पर आपके जैसे वार्ड 131 में आपको जो भी काम करवाए, रोडों का काम करवाए, शिवलाइन का काम करवाए, तो उसमें एक्चुअली क्या समस्या रही आपकी? क्या होता है कि जैसे अभी मैंने हमारे पार्कों में साइबर शेड लगाने के लिए एप्लीकेशन दे रखी और पास कर दी। अतिरिक्त आयुक्त थे डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, अब उनका ट्रांसफर हो गया, अब अभी तक उसके एस्टिमेट नहीं बन पा रहे, जबकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन निगम जाता हूँ, अब एस्टिमेट बनाने के लिए कहता हूँ, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे। बनाएंगे, मना करना नहीं, काम करना नहीं, ये जयपुर नगर निगम की खास बात है। अब वो क्यों किसके कहने से कर रहे हैं, मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहता, तो ये अधिकारी अगर थोड़ा सुनना शुरू कर दें तो मेरे विचार से काम अच्छे हो जाया करें, जल्दी हो जाया करें। मतलब आप काम कराना चाहते हैं लेकिन अधिकारी सुनते नहीं, इसलिए आपके वार्ड में काम नहीं होता टाइम पे। सुनते हैं वो, देखिए क्या होता है कि बहुत एक बार में कहने से या दो बार में कहने से काम हो गया तो काम का एक मजा आता है, और आपको एक ही छोटे छोटे काम को, एक सीवर ठीक कराने के लिए, एक ड्रिंक ढक्कन लगाने के लिए, या कोई एक छोटा सा कोई खड्डा भरवाने के लिए भी आपको 15-15 दिन तक और रोजाना 2-2 बार फोन करना पड़े। हाँ सिविल जो आपके इंजन, उनको क्या आप उनको फिर वो आपको करते हैं इंजन करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कोई मामला खराब ही है, पर वो स्मूथ नहीं है। गाड़ी क्या है कि एक तो 4th-5th गियर में चले तो स्मूथली चल रही है, पर हाईवे पे चल रही है, उसका मजा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, एक आपको बार बार गियर बदलना पड़ रहा है, सड़क खराब है, गाड़ी तो फिर भी चल रही है। बिल्कुल वो मैं कह रहा हूँ। नहीं अपन आज इसी का उदाहरण अपन गाड़ी में इंटरव्यू ले रहे हैं, अपन पूरे आपके वार्ड का भ्रमण किया है, साथ में आपके अपने वार्ड अध्यक्ष महोदय भी साथ में। मैं भी सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वार्ड 131 के जो पार्षद महोदय हैं गोविंद जी छिप्पा साहब, इन्होंने पूरा वार्ड मुझे घूम के पूरा वार्ड दिखाया, और वार्ड में कहाँ कहाँ इन्होंने सिविल लाइन सही करवाई, ढक्कन लगवाए, कहाँ इन्होंने रोडें बनवाई वो दिखाया, और इनके साथ जो नगर निगम से क्या समस्या आ रही थी, नगर निगम के अधिकारी करते हैं या फिर जो अपनी सफाई कर्मचारी कैसे करते हैं, जो इनको जनता से प्रशासन के बीच में जो समस्या आई उनके बारे में अवगत कराया। तो मैं आप सब लोगों से ये कराना चाहता हूँ कि जो पार्षद बनते हैं वो किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन्होंने ये बता दिया कि प्रशासन को जनता के बीच की एक दूरी होती है, पार्षद वो कैसे काम करती है, ये पढ़े लिखे भी हैं और दूरदर्शन के पत्रकार भी हैं अच्छे, तो इसलिए मैं कहूँगा इन्होंने तो फिर भी मैनेज कर लिया। तो आप भी अपने किसी क्षेत्र के पार्षद होंगे तो आप भी अपनी क्षेत्र की समस्या हमें बताइए, हम आपके साथ मिलेंगे और आपके काम करेंगे। धन्यवाद। चलते मैं थोड़ा सा एक लाइन और कहना चाहता हूँ, वार्ड 131 की जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया है, बहुत दुलार किया है, और 865 मतों से मुझे विजयी बनाया है, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और आपकी इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत, जिसको कहना चाहिए बहुत पॉपुलर चैनल है आपका, इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वार्ड की जनता को अगर मुझसे कोई बात कहनी है, सुननी है, तो 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है, आप कभी भी कोई भी वार्ड का निवासी मेरे फ़ोन को कभी भी चेक कर ले, रात 2 बजे फ़ोन करोगे तो फ़ोन उठाऊंगा मैं,
दिन में हो सकता है मीटिंग में बैठा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो एक अलग बात है। बाकी मैं सबको जवाब देता हूँ, सबके काम करता हूँ सबके। फिर भी अगर मेरे से कोई शिकायत हो तो आप मुझे आगे बताइए, ताकि मैं उस शिकायत को दूर करूँगा। और मैं आप ही के लिए हूँ, जैसा मुझे आपका प्यार आप दे रहे हैं उसके अनुसार मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, वैसे आपके क्षेत्र के लोग सब पढ़े लिखे हैं तो सब समझते हैं, कोशिश होगी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।